आप जी को ये यथार्थ ज्ञान भी एक बार गलत महसूस होता है, लेकिन फिर प्रमाण आपको दिए जाएंगे, सच्चाई से परिचित कराया जाएगा, आपकी आत्मा अपने आप स्वीकार कर लेगी कि हाँ हमें गलत ज्ञान मिला था। अब परमात्मा कबीर जी हमें बताया करते थे, मानुष जन्म दुर्लभ है भाई मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहोर न लगता डार। कबीर ये तन जावेगा सके तो ठहर ला, या सेवा कर संत की के गोविंद के गुण गा। कि ये शरीर तुम्हारा तो जाएगा एक दिन, ये तो जाना है, आपको भी पता है कि शरीर ना किसी का रहा ना रहेगा, लेकिन हमने ये सोच रखा कि अभी नहीं जाएगा, इसलिए हम मस्ती मारते हैं, बकवाद करते हैं, शराब पीते हैं, डांस देखते करते हैं, और हम सिनेमा फिल्म देखते हैं बकवाद, जिसका नाम फिल्म। आपको या तो इस बात का ज्ञान नहीं कि इसमें ये एक आर्टिफिशियल है, जो फिल्म आप देखते हो वो किसी व्यक्ति द्वारा चित्रित की गई है और वीडियो में उसको बंद कर दिया, अब वो केवल उसमें एक चित्र है उनके नाचने और गाने के, वो ओरिजिनल वस्तु नहीं है। तो एक तो हमारी आदत बन गई जो है ना डुप्लीकेट माल को पसंद करने की, क्योंकि यहाँ का भगवान डुप्लीकेट, यहाँ का सुख डुप्लीकेट, यहाँ की सारे साधन डुप्लीकेट, हम इन मर रंग गए। जब एक फिल्म है उसमें हम कुछ भी देख रहे हैं, वो वस्तु है ही नहीं, वो केवल चित्र है, और उस चित्र को ही हम बार बार देख रहे हैं, उसको देख करके खुशी हो रहे, हम बालक हैं, हम बालक बुद्धि के हैं, बच्चा जैसे खिलौनों को पसंद करता है, खिलौनों से खेलता है, वो जैसे गुड्डा गुड़िया की खेल लड़कियां खेला करती पहले, तो ऐसी बुद्धि के व्यक्ति ही फिल्म देख सकते हैं। और जो तत्वज्ञान से परिचित हो जाएंगे, जो पुण्यात्मा है, वो सिनेमा टीवी की तरफ देख भी नहीं सकते, उनको पता है कि नकली काम है सारा। हाँ, टीवी और चैनल को हम परमात्मा की अमृतवाणी को सुनने के लिए देखेंगे, उसको उस ज्ञान पर हम असर करेंगे। परमात्मा हमें यही बताते थे कि कबीर ये तन जाएगा सके तो ठहर ला, एक दिन ये शरीर अवश्य जाएगा, लेकिन हम अभी ये सोच रहे हैं कि अभी नहीं जाएगा, क्योंकि जो बच्चा अभी उत्पन्न हुआ है उसको चिंता नहीं, मान रहा तो बालक है, युवा हो गया तो उसके सामने और दूसरा इतिहास शुरू हो जाता है, ब्याह हो गया, शादी होने, फिर कोई धंधाकरण की, कोई इस प्रकार के 100 तरह की उसमें क्रियाओं लग जाता है, और वो ये सोचता है कि मेरी मृत्यु अभी नहीं होगी, 100 साल बाद होगी। 100 वर्ष की तो आयु प्रत्येक व्यक्ति बांधकर जी रहा है, लेकिन वो भूल जाता है जो छोटी आयु में मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, कोई रोग से, कोई एक्सीडेंट से, किसी अन्य कारणों से, कोई डूब का मर गया, किसी ने करंट लग गया, कोई और कारण हो गया, तो वो भी व्यक्ति यही सोचकर जी रहे थे कि हम अभी नहीं मरेंगे। जैसे आपने पीछे समाचार सुना था कि मंगोलिया देश का पूरा कैबिनेट, यानी पूरे मंत्री, मुख्य वहां का प्रधानमंत्री और सारे उनके सपसलार उसका मां बैठे थे एक विमान में, और किसी दूसरों का शोक व्यक्त करने जा रहे थे जो किसी तूफान में मर गए थे और एयर क्रैश हो गया, एक्सीडेंट हो गया जहाज का, एरोप्लेन का एक्सीडेंट हो गया, सारे के सारे मर गए, एक ही सेकंड में सबका जो ना वहां अड़चाम भी नहीं पाया। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं भक्ति करने के लिए कुछ आंकड़ों को आपने नोट करना पड़ेगा, उनको आधार बनाना पड़ेगा। जैसे एक समय एक भक्त अपने गुरुजी के पास जाता था और गुरुजी सत्संग में सुनाया करते थे कि मौत विचारी बावले तन चाला कर दिया कौन, तन मिट्टी में मिल जाएगा जो अट्टे में लोन है।
भक्ति करो भाई परमात्मा तो डर के रहो, तो ऐसे ज्ञान भी सुनाते थे, लेकिन हम परमात्मा के विचारों पर ध्यान 10% ही दे पाते हैं, 90% फिर हम फिर भी अपनी ही सोच से चलते हैं। तो इसलिए धीरे धीरे कुछ फिर बढ़ जाती है, 20% पर आ जाओगे कुछ दिनों में, फिर 30 पर आ जाओगे, फिर 50% भी आप अमल करने लग जाओगे तो भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा।